बीते रविवार को मिर्जापुर में मिले तीन अज्ञात लोगों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इन तीनों में से एक बिहार का हिस्ट्री शीटर था। सोमवार को एडीजी जोन वाराणसी ब्रजभूषण घटनास्थल पर पहुंचे थे। सोमवार को सीओ और थानाध्यक्ष के नेतृत्व में दो टीमें बिहार के लिए रवाना हो गई थीं, जिससे कि जांच आगे बढ़ाई जा सके। एडीजी ने आईजी पीयूष श्रीवास्तव, एसपी अजय कुमार कुमार सिंह, एसपी नक्सल महेश सिंह अत्री के साथ आधा घंटा तक मामले के संबंध में छानबीन की और जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने का निर्देश दिया। राजकुमार और ओम के परिजन रविवार की शाम को चुनार पहुंचे थे। रात होने के कारण पोस्टमार्टम नहीं हो सका। सोमवार की शाम को राजकुमार और ओम का पोस्टमार्टम हुआ। इन दोनों का शव तो उनके परिजन ले जाएंगे, लेकिन पिंटू कुमार का कोई परिजन नहीं पहुंचा। ऐसे में उसका शव कौन ले जाएगा, ये सवाल भी खड़ा हो गया है। दरअसल मिर्जापुर वाराणसी बॉर्डर पर रविवार सुबह सड़क किनारे तीन शव खून से लथपथ मिले थे, जिसमें से एक बिहार का हिस्ट्री शीटर पिंटू कुमार, दूसरा राजकुमार और तीसरा ओम कुमार से हुई थी। जांच में पता चला कि राजकुमार पिंटू के स्कॉर्पियो का चालक था और ओम राजकुमार का साथी था। राजकुमार के पिता घुघली यादव की तहरीर पर पुलिस ने कृष्णा सिंह और लाल बाबू निवासी रोहतास के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच के लिए एसपी के निर्देश में गठित सीओ चुनार सुशील कुमार यादव और चुनार कोतवाल गोपाल जी गुप्ता के नेतृत्व में दो टीम बिहार रवाना भी हो चुकी है। टीम बिहार पुलिस के सहयोग से दोनों हत्यारोपितों को पकड़ने और मामले की पड़ताल के लिए गई है। न्यूज डेस्क।